हेलो फ्रेंड्स, हम बेसन की चक्की बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, उसको हम छान लेंगे दबा दबा के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे मुट्ठी बांध के। ये देखो एकदम परफेक्ट मोन है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो तैयार करेंगे एकदम टाइट। इसका हमने टाइट डो बना लिया है। इसको हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। घी रखेंगे, गरम रखेंगे। हम इसके मुट्ठी बना लेते हैं। थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे, इसको ऐसे दबाएं। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। इस स्टेप से हम सारी मुठिया बना लेंगे। मुठिया भी हमने बना दी है और घी भी इधर गर्म हो गया। अब हम इसको घी में फ्राई, लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम तलेंगे। घी डाल के ऐसे इसको इसे अच्छे से पक जाए सब जगह। नीचे से अच्छे पकने देना, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। अच्छे से पक जाएगी तो आराम से पलट जाएगी। पलटेंगे तो गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम तोड़ लेंगे। ठंडा कर लेंगे। हमने सारी बारीक चूरा कर लिया है। अब इसको ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मैं इस मोटी वाली जाली से छानूंगी, जिससे क्या बेसन थोड़ा दरदरा रहेगा और चक्की अच्छी बनेगी। ये बारीक थोड़ी सी आटे वाली छाली से नहीं छानूंगी। मोटा मोटा बच गया है। या तो आप इसको वापस मिक्सी में पीस सकते हो या फिर आप इसको सब्जी की ग्रेवी या किसी में भी डाल सकते हैं। मैं नाप से नहीं लेती हूँ चीनी, इस अंदाजे से ही लेती हूँ। इसका ये पूरा इकट्ठा किया है, इसका हाफ पार्ट कर लेंगे हम। और इसका भी हाफ पार्ट कर लेंगे। ये जो ये पार्ट है उसके हिसाब से हम चीनी ले लेंगे।
ये जो 1/4 पार्ट बचा हुआ ना उसके हिसाब से हम चीनी लेंगे। ये हमने चीनी और ये इक्वल पार्ट में ले लिया, आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट इक्वल है। चीनी हमने ली वो इस बर्तन में खाली कर लेंगे और शक्कर डूबे इतना हम पानी डाल लेंगे और इसकी हम एक तार के अच्छी सी चाशनी बना लेंगे। घी को थोड़ा कम कर लेंगे और इसी में हम फिर बेसन सेकेंगे। अब हम ये सारा बेसन इसमें डाल देंगे। हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन है ना वो सारा निकल जावे। हम चाशनी को चेक करेंगे, इलायची डाल देंगे। ये भी भुनने आ गया है। अच्छा सा पक गया। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे। अब हम चेक करेंगे। ये देखो एक तार की चाशनी, बस हमको ऐसी चाशनी चाहिए होती है। कटोरी में पानी लेना थोड़ा सा और इसमें ये डाल देना। ये तल के ऊपर नहीं आएगी और ये नीचे जम जाएगी, इसका मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट है। देखो आप नीचे जम गई ना, ये तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। इसको बंद कर देंगे, डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। उसे 3 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। फेंटते टाइट होने लग गई है और इसमें फिनिशिंग भी आने लग गई है। ये अच्छे से टाइट जमने जैसी कंडीशन में आ चुका है। देखो अब हम इसको एक प्लेट में, हमने पहले ही घी लगा रखा था उसमें हम इसको डाल देंगे। ये सब बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना, एक तो चाशनी अच्छी आनी चाहिए और एक हिलाना पूरा चाहिए उसको। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर इसकी चक्कियाँ काट लेंगे। बेसन चक्की अच्छे से जम गई है। अब मन चाहे शेप में इसको काट सकते हैं। इसको निकाल लेंगे, कितना आसानी से निकल गई। बेसन चक्की बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें कि आपको ये कैसी लगी।